शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस के फैंस के लिए एक बेहद हार्ट ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। खबर ये है कि एरिका ने शाहिर को अपने सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, वही शाहिर जिनके साथ कभी एरिका इतनी हंसती खिलखिलाती नजर आती थी, उन्हें ही अब एरिका ने अपने सोशल मीडिया फ्रेंड लिस्ट से उड़ा दिया है। आपको बता दें कि शाहिर और एरिका की पहली मुलाकात सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के सेट पर हुई थी। कहा जाता है कि इसी शो के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर इनके रिश्ते को प्यार में बदलने में देर नहीं लगी। हालांकि शाहिर एरिका दोनों ने ही कभी भी खुलकर अपने अफेयर की बात तो नहीं मानी, लेकिन खबरों का बाजार हमेशा इनके अफेयर की बात से गर्म ही रहा। लेकिन अब एरिका ने अचानक से शाहिर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करके फैंस को बुरी तरह चौंका दिया है। तो एरिका के ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है, ये तो एरिका ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन अगर सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिर एरिका के रिश्ते में आई इस खटास की वजह एक्टर पार्थ समथान है। जी हाँ, माना जा रहा है कि पार्थ की वजह से ही एरिका ने शाहिर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया है। दरअसल हाल ही में खबरें आई थी कि शाहिर से ब्रेकअप के बाद एरिका अब पार्थ को डेट कर रही हैं। हालांकि अपने इस नए अफेयर पर भी एरिका ने इनकार ही किया, मगर जिस तरह से इवेंट्स और पार्टीज में पार्थ और एरिका दोनों हाथ में हाथ डाले नजर आते हैं, उसे देखकर लोग यही मानने लगे हैं कि इनका अफेयर अब दिन ब दिन परवान चढ़ ही रहा है। लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते पर ऑफिशियल मोहर लगाने से पहले थोड़ा वक्त चाहते हैं। अब माना जा रहा है कि क्योंकि एरिका पार्थ के साथ रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कैसे रख सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने शाहिर को अनफॉलो कर दिया है। वैसे इसमें दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले एरिका ने सोशल मीडिया पर फैन से इंटरेक्शन के लिए एक सेशन #AskEJF रखा था। इस दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि वो अपने दोनों को स्टार पार्थ समथान और शाहिर शेख में से किसे चुनेंगी। तो इस सवाल का जवाब देते हुए एरिका ने कहा था कि दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते और दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एरिका ने अचानक से ही शाहिर को अनफॉलो क्यों कर दिया। वैसे इस पर आपको क्या लगता है, आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।